जर्मनी की विक्टोरिया ने गोरखपुर में मनाया छठ। भारतीय संस्कृति पर क्या बोली विक्टोरिया। जाने क्या है गोरखपुर से कनेक्शन। छठ पूजा भारत का वो त्योहार है जो अब केवल यूपी और बिहार तक सीमित नहीं रहा, अब दुनिया के कई ऐसे देश हैं जहां आप लोगों को आसानी से छठ पूजा करते हुए देख सकते हैं। गोरखपुर में एक जर्मन महिला अपने भारतीय पति के साथ छठ पूजा उत्सव में शामिल हुई। जी हाँ, इस महिला का नाम है विक्टोरिया। ये परिवार पिछले 12 सालों से स्विट्जरलैंड में रह रहा है। ये परिवार भारत भ्रमण पर आया है और 31 अक्टूबर को इस परिवार ने गोरखपुर में पूरे विधि विधान के साथ छठ पूजा की। दरअसल विक्टोरिया की शादी गोरखपुर के शुभम अग्रवाल से हुई है। विक्टोरिया और शुभम ने हिंदू और जर्मन दोनों रीति रिवाजों से शादी की थी। दोनों का एक बच्चा भी है। सोमवार को दोनों ने गोरखपुर के सूर्यकुंड धाम में पूरे विधि विधान से छठ व्रत किया और पूजा अर्चना की। पूजा करने के लिए विक्टोरिया ने एक काले रंग का सलवार सूट पहना था, जिसे उन्होंने चमकीले गुलाबी दुपट्टे और बिंदी के साथ जोड़ दिया था। इस परिधान में वो पूरी तरह से भारतीय महिला नजर आ रही थी। इस मौके पर वो इस तरह से नजर आई कि मानो कई सालों से वो भारतीय कला और संस्कृति के बारे में बहुत कुछ जानती हो। केवल इतना ही नहीं, भारत में आए हुए उन्हें बहुत कम समय हुआ, लेकिन उस कम समय में भी उन्होंने सबके साथ अपने आप को इस तरह से जोड़ लिया और सबके साथ इस तरह से घुल मिल गई कि मानो वो लोग और वो खुद एक दूसरे को सालों से जानते आ रहे हो। पूरे परिवार ने सभी महिलाओं के साथ मिलकर छठ पूजा की और सूर्यदेव को अर्घ भी दिया। इस मौके पर शुभम ने कहा कि हम यहां आकर बहुत खुश हैं क्योंकि हम विदेश में रहते हैं। हालांकि मैं पिछले 12 सालों से ही दूर रह रहा हूं, मैं छठ जैसे त्योहारों को देखकर ही बड़ा हुआ हूं। जी हां, आपको बता दें कि शुभम की परवरिश गोरखपुर में ही हुई है, इसीलिए उन्होंने छठ त्योहार और छठ का मनाया जाना बचपन से देख रखा है। उन्होंने कहा कि ये मेरे बच्चे और मेरी पत्नी का पहला छठ है, इसलिए हम बहुत खुश हैं। मुझे लगता है कि ये त्योहार न केवल मानवता को बल्कि सभी को एक साथ लाने का काम करता है। भारत में छठ मनाने के अपने अनुभव के बारे में बोलते हुए विक्टोरिया ने कहा कि मैं वास्तव में इसका आनंद ले रही हूँ और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं इस त्योहार को अपने पति के साथ यहाँ भारत में बिता सकती हूँ। किसी पर्व का ये रूप भी होता है, ये मैंने पहली बार देखा था, क्योंकि छठ मनाने के लिए जिस तरीके से घाट पर महिलाओं का समूह उमड़ा, उसे देखकर वाकई विक्टोरिया आश्चर्यचकित रह गई। इतना लगाव, इतना समर्पण उनके लिए देखने योग्य जैसा था। भारतीय परंपरा व संस्कृति उन्हें बेहद पसंद आई, ऐसा विक्टोरिया का कहना है। आगे उन्होंने कहा कि मैं प्रयास करूंगी कि हर साल इस पर्व पर मैं जरूर गोरखपुर में मौजूद रहूं। सोमवार को वो अपने परिजनों के साथ सूर्यकुंड घाट पर सुबह सुबह पहुंच गई, पूरे विधि विधान से सूर्य उपासना की। उसके बाद उनके पति शुभम अग्रवाल और बच्चा दोनों साथ में थे। सोमवार को सुबह अर्घ अर्पित करने के साथ छठ व्रत की पूर्णाहुति हो गई। सूर्य के उदय होते ही श्रद्धालुओं में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। व्रतियों ने अर्घ अर्पित कर मंगल कामना की। जय घोष वहां पर गूंज रहा था, माहौल भक्ति से ओतप्रोत था। बच्चों ने इस मौके पर पटाखे जलाकर खुशी मनाई। इस खबर में फिलहाल सिर्फ इतना ही। ऐसी और भी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।